रजनीकांत का कैरियर एक ऐसे व्यक्ति की कहानी की तरह है जिसने अपने संघर्ष से अपने सपनों को पूरा किया। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने असाधारण अभिनय के साथ दर्शकों को प्रभावित किया है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में गरीबी से निकलकर चमचमाती सिल्वर स्क्रीन तक पहुंचने की कई कहानियां हैं। ऐसी कई कहानियां हैं जिसमें डेब्यू से पहले फिल्म स्टार रेलवे प्लेटफार्म पर सोते और खर्च चलाने के लिए छोटी मोटी नौकरी पकड़ लिया करते थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये स्ट्रगलर आखिरकार कितनी ऊंचाई तक पहुंचते हैं। भारतीय सिनेमा में हाईएस्ट पेड एक्टर बनने की कहानी कर्नाटक के एक मराठी व्यक्ति की भी है, जिसने फिल्मों में विलेन बनने से पहले एक बस कंडक्टर के तौर पर शुरुआत की और आखिर में दशकों तक सिनेमा स्क्रीन पर राज किया और आज भी उनका वही जलवा कायम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे ताकि हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु में एक मराठी हिंदू परिवार में हुआ था। रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। उनका नाम मराठा साम्राज्य के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया था। उनके पिता रामोजी राव गायकवाड़ एक पुलिस कांस्टेबल थे। वह दो बड़े भाइयों और एक बहन वाले परिवार में चार भाई बहनों में सबसे छोटे थे। रजनीकांत की प्राथमिक शिक्षा बेंगलुरु के सरकारी कन्नड़ मॉडल प्राइमरी स्कूल में हुई। छठी कक्षा के बाद रजनीकांत ने आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान उन्होंने नाटकों में अभिनय करने में बहुत समय बिताया। रजनीकांत ने 60 के दशक के आखिर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस कंडक्टर की नौकरी से पहले उन्होंने कूली के तौर पर भी काम किया। कन्नड़ नाटककार टोपी मुनियप्पा ने उन्हें अपने एक नाटक में रोल ऑफर किया, जिसके बाद उनके एक्टिंग करियर के सफर की शुरुआत हुई। 70 के दशक में उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग कोर्स में एडमिशन लेने का फैसला किया, लेकिन उनके इस फैसले से उनका परिवार उनके खिलाफ था। तब उनके मित्र राज बहादुर ने उन्हें संस्थान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और आर्थिक मदद भी की। इंस्टीट्यूट में उन पर तमिल फिल्म मेकर के बालाचंद्र की नजर पड़ी। उन्होंने रजनीकांत को तमिल बोलना सीखने की सलाह दी और बाद में उन्हें रोल ऑफर किया। रजनीकांत ने अपना नाम इसलिए बदला क्योंकि वह सुपरस्टार शिवाजी गणेशन के नाम के कन्फ्यूजन से बचना चाहते थे। वो तमिल सिनेमा के सबसे बड़े नामों में से एक थे। उन्हें रजनीकांत नाम उनके गुरु बालाचंद्र ने दिया। उन्होंने यह नाम अपनी फिल्म मेजर चंद्रकांत से लिया। इस फिल्म में नायक का नाम रजनीकांत था। रजनीकांत ने बालाचंद्र की 1975 में आई फिल्म अपूर्वा रंगल से अपनी शुरुआत की। इसमें उन्होंने श्री विद्या के पति का रोल किया और 70 के दशक में कई हिट फिल्मों में निगेटिव रोल के लिए जाने गए। 70 के दशक के आखिर में कई फिल्मों में लीड रोल करने के बावजूद रजनीकांत खुद को एक लीड हीरो के तौर पर सेट नहीं कर पाए। सिगरेट पलटने की उनके स्टाइल और उनका अंदाज जनता के बीच पॉपुलर थे, लेकिन फिर भी उन्हें एक विलन के रूप में देखा जाता था। 1978 में जब कई लोगों ने हीरो के तौर पर उनका कैरियर खत्म कहा था, तब रजनीकांत ने फिल्म बैराबी में लीड हीरो के तौर पर काम किया। ये फिल्म सुपरहिट हुई। फिल्म की सक्सेस ने उन्हें सुपरस्टार का खिताब दिला दिया। इसके बाद अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन की रीमेक फिल्म बिल्ला के साथ आगे की सक्सेस ने उन्हें एक एक्शन स्टार बनाया। 80 और 90 के दशक तक रजनीकांत ने खुद को एक व्यावसायिक मनोरंजनकर्ता के रूप में स्थापित कर लिया। इस दौरान रिलीज हुई लगभग सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। रजनीकांत तमिल सिनेमा के सबसे बड़े स्टार बन गए। उन्होंने अन्य भारतीय फिल्मी उद्योग जैसे हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बंगाली में भी काम किया है। अपनी लेटेस्ट रिलीज फिल्म जेलर के साथ रजनीकांत ने शाहरुख खान और विजय को पीछे छोड़ते हुए भारत के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए हैं। उन्होंने इस फिल्म के लिए 210 करोड़ रुपए लिए थे। इस फिल्म ने दुनिया भर में 600 करोड़ रुपए से भी अधिक की कमाई की। रजनीकांत को उनकी कई फिल्मों के लिए पुरस्कार मिले। उन्हें उनके अभिनय के लिए भारत सरकार द्वारा 2000 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह थी रजनीकांत के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। उन्होंने अपनी मेहनत और असाधारण अभिनय से सिनेमा की दुनिया में अपनी जगह बनाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।